डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर्स में हमने वर्चुअलाइजेशन का एनहांसमेंट, मशीन कैसे क्रिएट की जाती है, मशीन की वर्किंग क्या है, पिछले लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी इसको डन कर लिया और एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद हमने वर्चुअलाइजेशन एंड कंटेनर्स बेसिकली क्या है, मीन्स सिमुलेटर्स क्या है, कैसे करता है ये, क्लाउड सिम किस तरह से वर्क करता है, ये एक एग्जाम्पल हमने लिनक्स के थ्रू एक्सप्लेन करा था। आज एग्जाम्पल हम जो लेंगे वो है आपका क्लाउड कंटेनर्स का ही। जब कंटेनाइजेशन क्या होता है ना, वर्चुअलाइजेशन क्या होते हैं, तो वर्चुअल और कंटेनाइजेशन में लिनक्स हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया है। आज के प्रैक्टिकल से हम स्टार्ट करेंगे डॉकर जो कि क्लाउड प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा इन है, क्योंकि AWS किस तरह से डॉकर की हेल्प करता है या AWS पर डॉकर का किस तरह से वर्क होता है ये हम समझेंगे। तो बेसिकली हम स्टार्ट करने से पहले डॉकर क्या है, मीन्स एक ओवरव्यू, किस तरह से वर्क करता है, क्या बेनिफिट है और क्यों हम यूज करते हैं इसकी हम बात करेंगे आज के प्रैक्टिकल्स में। सो अगर आप जैसे गूगल पे जाएंगे, एंड डॉकर आपने सुना ही है बिकॉज एक आज की डेट में AWS का सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, सो यू कैन ऑलरेडी हर्ड अबाउट कि क्या है डॉकर। सो हम स्टार्ट करते हैं डॉकर क्या है और किस तरह से वर्क करता है। सो कह सकते हैं एक सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली जो यूजर है, मीन्स जो सर्वर है या फिर एडमिन है, ठीक है, उसको हेल्प करता है किस चीज के लिए, एक बिल्ड करने के लिए, रन करने के लिए और डिप्लॉय करने के लिए कोड। तो हम स्टार्ट करते हैं कैसे करता है, क्या है, ये सारा कुछ हम अपने इस प्रैक्टिकल में लेंगे। तो चलिए, जैसे हम आपने एक्सेस किया गूगल, नाउ इफ यू गेट इन द गूगल, तो आप जैसे ही गूगल पर गए आपने टाइप किया है डॉकर। सो बेसिकली पहले आप डॉकर क्या है इसकी बात करेंगे, फिर हम एक इंस्टॉलेशन का व्यू भी डॉकर का देख लेंगे। सो अगर हम जाएँ तो हम पहले ये आएंगे कि वॉट इज डॉकर, क्या है आपका डॉकर। सो डॉकर का क्या है, क्योंकि आज की डेट में यूज होना बहुत क्यों हो रहा है, क्या उसका बेनिफिट है और किस तरह से आ रहा है। जैसे ही आप डॉकर पे जाएंगे तो डॉकर एक ओवरव्यू की तरह यहाँ पे खूब सारा दिखेगा। सो एक डॉकर डेस्कटॉप है आपका, डॉकर क्रिएट किस पे किया गया है, डॉकर का काम कैसे है, द कोड्स किस पे डिजाइन है, वी कैन डिस्कस एवरीथिंग इन दिस। सो ये है आपका डॉकर। एंड व्हाट इज अ कंटेनर, क्या है कंटेनर, डॉकर कंटेनर क्या है। सो बेसिकली कंटेनर्स यू आर अवेयर, और हम एक डिस्कशन के साथ भी ले लेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम स्टार्ट करेंगे एक ओवरव्यू के साथ कि क्या है डॉकर कंटेनर। सो यू कैन क्लिक इट कि क्या है, और आप AWS डॉकर की साइट पे भी जा करके इस चीज को देख सकते हैं। सो अगर आप डॉकर पे जाते हैं, डॉकर व्हाट इज डॉकर, या तो इस पे ही आता है बेसिक, ये है आपका डॉकर। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डॉकर के लिए क्या किया है, बिल्ड शेयर एंड रन ऑफ योर एप्लीकेशन, मीन्स क्या है, एक सॉफ्टवेयर जो कि या कंटेनर की तरह काम करता है। कंटेनर बेसिकली क्या होती है, इस छोटी छोटी सी यूनिट, स्मॉल यूनिट जो कि परमिट करती है एप्लीकेशंस को क्लाउड में रन करने के लिए, जो क्या करता है, बिल्ड करता है, शेयर करता है और रन करता है एप्लीकेशंस को। सो ये है आपका क्या पैकेजेस है। सो बेसिकली इट्स अ पैकेज सॉफ्टवेयर एंड स्टैंडर्डाइज यूनिट्स, यानी हमने क्या अभी कहा कि एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कि स्टैंडर्ड स्मॉल यूनिट्स में रहता है, जिसका एग्जाम्पल्स हमने पिछली भी क्लास में लिनक्स को लेते हुए एक्सप्लेन भी किया था, एंड यूनिट्स फॉर डिप्लॉयमेंट, शिपमेंट्स एंड डिप्लॉयमेंट्स। सो ये जो कंटेनर्स होता है वो एक स्टैंडर्ड है आपका सॉफ्टवेयर पैकेज की तरह, और ये डिपेंडेंट है किस पर, एक एप्लीकेशन रन्स पे तरह। सो जो डॉकर कंटेनर्स हैं उसमें रहता है आपका इमेज, वो होता है आपका लाइट वेट। सो बेसिकली डॉकर कंटेनर इमेज इज अ लाइट वेट स्टैंड अलोन एग्जीक्यूटेबल पैकेजेस। सो आप जो इस लाइन को पढ़ रहे हैं, दैट इज बेसिकली आर डॉकर, ये है हमारा डॉकर जो कि विल हेल्प करता है। सो ये है आपका कंटेनर इमेज, लाइट वेट होता है वर्चुअल मशीन के कंपेयर में, इट्स एन लाइट वेट, क्योंकि आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता ऐसे कि पर्टिकुलर आपने मशीन को इंस्टॉल किया है, वो आपने मशीन क्रिएट कर ली है, एंड देन यू विल गो फॉर द वर्किंग, तो कभी भी आप यूज कर सकते हैं। तो जो VM होती है हमारी, जस्ट लाइक एन फिजिकल, जैसे हमारा फिजिकल OS होता है, तो ये हमारा फिजिकल OS की तरह ना करके एक लाइट की जब आपको नीड हो, क्योंकि हम क्लाउड को एक्सप्लेन करते हो, क्लाउड इज अ ऑन डिमांड सर्विसेज, वो एक ऑन डिमांड सर्विसेज है जब आपको चाहिए, मींस व्हेन द यूजर हैव नीड, जब यूजर को नीड होती है जितनी होती पे पर यूज ना, सो दैट इज डिफाइन ऑफ दिस, कि हम कहते हैं पे पर यूज और एज फॉर द नीड है, तो आपको जब है तो हमने इसलिए इसको एग्जीक्यूट किया। सो दैट इज बेसिकली अ कंटेनर्स, जितना नीड हुआ आपको जब चाहिए इसने एक्सेस किया। तो अ डॉकर कंटेनर इज अ लाइट वेट स्टैंड अलोन एग्जीक्यूटेबल पैकेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग नीडेड टू रन एन एप्लीकेशन, कोड
रन टाइम सिस्टम टूल्स एंड सिस्टम लाइब्रेरीज. सो क्या क्या हुआ, द लाइब्रेरीज विच कंसिस्ट ऑफ योर द कोड रन टाइम्स एंड एप्लीकेशंस. ये हमारी बेसिकली क्या है, कंटेनर, जो कि कंटेनर का वर्क करता है. सो ये इमेज क्रिएट किया है इसने, कंटेनर्स की तरह वर्क किया. सो सच लाइक आप देख सकते हैं, ये है हमारा बेसिकली डॉकर. और इसको आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे बेसिकली क्या है डॉकर, किस तरह से काम करता है. सो स्टैंड लाइट वेट एंड सिक्योर, ये डॉकर इंजन है होता है हमारा. जो यहाँ यू कैन सी इट हेयर, सो डॉकर मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर. हमने जो पहले के लेक्चर्स में हाइपर विजन पढ़ा हुआ है, हाइपर विजन दो तरह से एक्सप्लेन किया गया था, वन एंड टू, टाइप वन एंड टाइप टू. टाइप टू का एग्जाम्पल बेस्ट था जो कि वीएम मशीन पे काम होता है, एंड टाइप वन एग्जाम्पल डॉकर, रेड हैट जो प्लेटफॉर्म्स हमारे प्रोवाइड कर रहे. सो इट्स जस्ट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारा ओएस की तरह काम करता है. सो यू कैन सी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड होस्ट ओएस एंड डॉकर. मीन्स टाइप वन में हमने क्या पढ़ा है कि इट्स डायरेक्टली टू इंटरेक्ट विद योर मशीन. सो यू कैन सी इट हेयर कि जो हमारा ओएस है डॉकर है वो किस पे इंस्टॉल दिख रहा है, दैट इज बेसिकली इंस्टॉल एज एन होस्ट ऑपरेटिंग. मतलब इसको किसी भी प्लेटफॉर्म, मतलब गेस्ट ओएस की जरूरत नहीं पड़ती, ये मशीन पर डायरेक्टली होता है. सो देयर इज नो नीड टू एनी ओएस. ठीक है, ये आपका डायरेक्ट इंटरेक्ट किस से करता है, मशीन से करता है, एंड देन उसके ऊपर फिर आपके जो होते हैं एप्लीकेशंस होती हैं. सो बेसिकली स्टैंडर्ड लाइटवेट एंड सिक्योर. देन डॉकर का जो कोड है बेसिकली वो है लिनक्स पे क्रिएटेड है, बट इट वर्क्स, वी कैन वर्क्स ऑन लिनक्स, विंडोज, डेटा सेंटर, क्लाउड सर्वर्स, लेट्स, इन सब पे भी हम काम करते हैं. अमेजोन की अगर बात करते हैं तो जो अमेजोन AWS क्लाउड है, अमेजोन का ECS है, एंड अमेजोन आपका EKS है, दैट ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ आर डॉकर कंटेनर्स. सो दीज आर द बेसिकली एवरीथिंग विच इज द कंटेनर्स आर एवरीवेयर, लिनक्स, विंडो, डेटा सेंटर, क्लाउड सर्वर्स एंड एटसेट्रास. सो ये है हमारा क्या बेसिकली डॉकर क्यों करते हैं, क्या यूज है. सो आज की डेट में nowadays the technology which is going to very high, if you can see the, आपने ऑलरेडी देखा हुआ है किसकी वेबसाइट, IRCTC, आप सब एक्सेस करते हैं. IRCTC तब का मीन्स प्रीवियस जो इनिशिएट हुआ था और आज के nowadays the technology IRCTC यूज कर रही है, दिस द टू मच डिफरेंस बिटवीन टूडेज एंड प्रीवियस. मतलब पहले और आज की डेज में क्या कितना फर्क है. So you can see it here, Docker today, aaj, then Linux and Windows, that two are the operating system, because Docker is also working as an operating system. Then there is a data centers and cloud. So ye hai hamara Docker, though that is accessible to the cloud, jo data center se access ho raha, and it works for today's Docker. आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, वर्किंग रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है वर्क करने के लिए. सो द टेक्नोलॉजी अवेलेबल फ्रॉम डॉकर एंड इट्स ओपन सोर्स प्रोजेक्ट. क्लियर, दैट इज द ओवरऑल लीवरेजेस बाय ऑल मेजर डेटा सेंटर्स, वेंडर्स एंड क्लाउड प्रोवाइडर्स. ये हम कह सकते हैं कि डॉकर कंटेनर्स नेटिव एज एन आस ऑफरिंग, मतलब ये हमारा है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस ऑफर करता है. सो दैट इज कम्प्लीटली वॉट इज योर द डॉकर. ना ये जनरल कंपैरिजन है बिटवीन VM मशीन एंड कंटेनर्स में, जो हम कहते हैं कंटेनराइजेशन. सो वर्चुअलाइजेशन एंड कंटेनराइजेशन हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा है. ओके, सो डिफरेंस यू कैन सी इट हेयर कि ये है आपकी VM मशीन, जो कि हाइपरविजन टाइप टू का एग्जांपल है, दैट इज योर गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स. हमने इस पे सब गेस्ट ओएस डाला हुआ है, एंड जो आपकी टाइप वन हाइपरविजन है ओएस, डॉकर इज डायरेक्टली इंटर कनेक्टेड टू योर होस्ट ओएस, यानी किससे है, आपकी होस्ट ओएस से. मतलब इसमें जो डायरेक्टली आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड होता है, मतलब इट मीन्स आपका हार्डवेयर से इंटरेक्ट करती है, इट प्रोवाइड्स यू अ हार्डवेयर. ओके, सो ये आपको हार्डवेयर देती है, यानी वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि अगर आपके पास सपोज आपके पास 8 GB है या 4 GB है, तो इट्स प्रोवाइड्स द रिसोर्सेज, नहीं है तो भी आपको प्रोवाइड करेगी, विच वी हैड ऑलरेडी सीन इन आर विच lab.redhat.com पे हमने देखा था उस प्रैक्टिकल्स में. सो नाउ दीज आर द कंटेनर्स एंड वर्चुअल मशीन, दोनों के बीच का डिफरेंस, एंड दीज आर द कंटेनर्स. चलिए अब हम एक इंस्टॉलेशन और देख लेते हैं. सो यू कैन सी डॉकर डेस्कटॉप एंड डॉकर, ये आया आपका डॉकर डेस्कटॉप, और आपका आएगा यहाँ पे आप डाल सकते हो क्या डॉकर आपका कंटेनर और डॉकर डेस्कटॉप भी डाल सकते हो, और हाउ टू इंस्टॉल डॉकर फॉर द विंडोज और फॉर द लिनक्स.
सो यहाँ पे आ रहा डॉकर डेस्कटॉप और डॉकर विंडोज हमें करना इंस्टॉल. सो यू कैन गो फॉर द इंस्टॉल डॉकर विंडोज ऑन डेस्कटॉप. सो इट शोज वी आर नॉट गोइंग फॉर द कम्प्लीटली इंस्टॉलेशन बट हैज इन स्टेप्स. ये है आपका क्या स्टेप्स है जो कि क्या देरी प्रोवाइड करा रही है आपके डॉकर की, मतलब क्या कैसे इंस्टॉल होता है विंडोज और लिनक्स दोनों में अलग अलग द प्रोसेस विच इज चेंज. और सिंपल है स्टार्ट करना, रन करना, क्लिक करना. ये है आपका सिंपल डॉकर को रन कराने का प्रोसेस. पर पहले हम स्टार्ट करते हैं किस पर, आपका इंस्टॉल. सो इफ वी आर गो फॉर द डाउनलोड फॉर द यूआरएल, हमने सिंपल गए इंस्टॉल ऑफ द डॉकर, सिंपल यूआरएल को चूज किया, गो डॉकर डेस्कटॉप. पहले तो क्या है ये, तो ये कमर्शियल यूज होता है डॉकर डेस्कटॉप, जिसमें हम लार्जर एंटरप्राइजेज हैं, आपको बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं और इन एम्प्लॉयज के साथ वर्क करना और आपको कोई सर्विसेज नहीं है. सो वी आर नॉट गोइंग फॉर दिस. हम इस पे गए डायरेक्टली इंस्टॉल किया. What are the system requirement is here for the Docker? We have the simple system requirement. पहले हम Windows 10 और 11 version देख लिया, which version we are going for the use. So version है आपका 1.1.3, such like this. फिर हमने किया है Windows 10 या 11, 64-bit. Okay. Now the simple process जो कि आपको Docker के लिए चाहिए, that is simply a 64-bit processor, 4GB RAM. And your BIOS is enabled for the virtualization. मतलब BIOS में हमें जा करके virtualization को enable करना पड़ेगा for any virtual machine. उसके लिए हमें ये enable करना पड़ता है. So what is the system requirement for Docker? It's a first of all we'll go for the simple the URL of Docker. हम simple गए URL Docker के install. Now go for the click over there. Then हम गए हैं we reached a system requirement. क्या है उसका requirement? Then आपका 1.1.3 requirement you choose the Windows 10 or Windows 11 64-bit and 64-bit. Then go for the 64-bit processor, 4GB RAM and enable for virtualization in BIOS. Clear? Now the containers जो है हमारी ये containers और images वो create होती हैं Docker desktop पर, जो कि क्या करती है between all user accounts and machines वो install होती है उसमें. So ये help करती है run करने में, install करने में, build, run and deploy. Then these are the steps simple. Now how to install? अगर configuration हमारा system requirement is fulfilled, once it's fulfilled then go for the double click on desktop, किस पर, docker desktop install .exe, then go use for wsl install hyper-v, then hyper-v, then install, follow the instructions, means simple the rules instructions which is mentioned on there हमें वो follow करना है, and go for the, if two options is there choose only one, select करना होगा हमको one को, follow the instructions and install wizard to authorize off with the install, then step 4, when the installation is successful, जैसे installation successful हुआ, close and complete the installation file. Clear? If admin account, अगर admin account है, so different to use as an user account. It is if your admin account is different to your user account. मतलब अगर admin account आपका अलग है user account से, तो आप क्या करेंगे आप? You must add user to Docker users group. Then run compute and manager. Clear? So this is the complete process. मतलब यह हुआ हमारा local user guide groups and create your Docker. So some steps is here. Create किया Docker desktop. After this हम जैसे Docker desktop पे गए, फिर menu पे गए, menu then subscribe service agreement, then Docker desktop your desktop is here. Then go for the images. Then go for the followed by the same link. Next and next process for the same. Once you have, you are having the different account, जैसे आपने different account को use किया है, अलग अलग आपके account, तो you must add the user to Docker user group. Means आपने जो admin के time पे account create किया होगा, वो account को, वो जो आपका account है, उसको add करना पड़ेगा. Then run computer management or administrator, navigate करना होगा local user group, then जाना पड़ेगा groups and Docker users. And create done for run for the machine and install your Docker. So आपको Docker desktop you have create a Docker desktop. So आपको क्या मिल जाएगा? Docker का desktop. और Docker desktop create होने के बाद now it's gonna be for किसके लिए आप अब run कर सकते हैं? पहले build करें, machine को test करें and deploy करें. That is the simple process of your Docker. So I hope जो डॉकर का प्रोसेस है, व्हाट इज द यूज, व्हाट इज द बेनिफिट एंड हाउ इट इज वर्किंग,
कैसे वर्क करता, सिंपल वर्क करने का तरीका होता है, जैसे आपका रन करना, उसके बाद उसको टेस्ट करना एंड देन आपको स्टार्ट कर देना, दैट इज द सिंपल रन फॉर द प्रोसेस ऑफ द डेस्क डॉकर। क्लियर। क्लाउड प्लेटफॉर्म, अगर क्लाउड प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, सो वी कैन गो फॉर दिस एज अमेजोन, आपका AWS आ गया, अमेजोन आपकी ECS आ गया, अमेजोन आपका EKS आ गया, और अमेजोन आपके मीन्स आपका AWS ब्रांच आ गया। सो दीज आर द सर्विसेज जो कि बेसिकली हमको आज की डेट में अमेजोन डॉकर यूज कर रहे हैं। सो ये सर्विसेज, ये रिसोर्सेज हैं जो कि यूज हो रही हैं डॉकर्स में एज ए न्यू टेक्नोलॉजी। इज क्लियर। सो ये तो हमारा कम्प्लीटली जो हम बात करते हैं कंटेनराइजेशन से, इमेजेस की, कंटेनर्स की, और VM मशीन अलग है, ये कंटेनर्स थी हमारी। ओके, थैंक यू।